这个叮叮哒，滴滴哒，滴滴哒哒哒哒。नमस्कार, कलांगन मुंबई में आप सबका स्वागत है। पिछले कुछ हफ्तों से हम बात कर रहे हैं मैथमेटिक्स इन कथक। आज इसी टॉपिक पे एक और पहलू पे बात करेंगे। आज हम बात करेंगे आर्ड लय के बारे में। आर्ड लय कहते हैं डेढ़ गुण को, अर्थात एक मात्रा में अगर एक और आधा डेढ़ बोला जाए, वन एंड हाफ टाइम्स अगर आप करेंगे तो उसे कहते हैं आर्ड लय। पर आर्ड लय लिखना कैसे है, क्योंकि डेढ़ लिखना अगर हम तीन ताल के बात करें तो धा धीन धीन धा, इस धा को और धीन को आप आधा कैसे करेंगे। तो पहले मैं ये समझा दूं कि डेढ़ गुण मतलब एक मात्रा में डेढ़ बोलना है, मतलब हो रहा है दो मात्रा में तीन बोलना है। तो किस तरह से हम बोलेंगे दो मात्रा में तीन, धा धिन धिन, एक दो तीन, धा धिन धिन, धा धिन धिन धा, ना ते, इस तरह से दो में तीन बोलेंगे। पर जब लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, क्योंकि आधा करना जैसे धा है या ऐसे सिंगल वाला जो है उसका आधा कैसे करोगे। तो क्या करना है, हर एक मात्रा को हमें दो करना है। तो धा के बाद एक डैश लगाइए, धीन के बाद एक डैश लगाइए, इस तरह से पूरा जो 16 मात्रा है हर एक के बाद एक डैश लगाइए। और जब आप मात्रा का साइन उसमें लगाएंगे तो डैश को भी काउंट करिए, जो गैप हमने बीच में दिया है उसको भी काउंट करके तीन तीन करके मात्रा का चिन्ह लगाइए। तो अगर आप धा गैप धिन गैप धिन ऐसे लिखेंगे तो पहले मात्रा में आएगा धा डैश धिन, दूसरे मात्रा में आएगा डैश धीन डैश। तो अगर देखा जाए तो ये दो मात्रा में धा धीन धीन इतना ही आया है, पर क्योंकि तोड़ना मुश्किल है इसलिए हम वो डैश लगा के उसको काउंट करते हैं ताकि लिखना वन एंड हाफ टाइम्स बहुत अच्छे से हो जाए। पर अगर आपको कोई छोटा ताल लेंगे ना तो ये लिखने के लिए इजी होगा, पर क्योंकि हम शुरू से तीन ताल लेके ही बात कर रहे हैं तो मैं तीन ताल से ही बोलूंगी कि अगर आप सम से शुरू करेंगे और डेढ़ गुण बोलते जाएंगे तो जब 16 मात्रा आपका कंप्लीट होगा तब आपका डेढ़ गुण नेचुरली डेढ़ टाइम से होगा, मतलब धा दिन धिन धा पूरा 16 होगा और आधा होगा हाफ 24 मात्रा होगा, क्योंकि एक में डेढ़ तो 16 में 24 मात्रा होगा। तो इसीलिए आपको अगर सम के साथ सम मैच करना है ताकि आप पूरा लिख के फिर से सम पे आए तो आपको दो बार लिखना पड़ेगा, मतलब 32 मात्रा पूरा लिखना पड़ेगा तो 33 मात्रा में आके आपका सम मैच होगा। फिर से मैं बोलती हूँ, क्योंकि डेढ़ गुण है तो जब आप एक आवर्तन पूरा करेंगे तो वन एंड हाफ आवर्तन उसमें आ जाएगा, बिकॉज एक मात्रा में वन एंड हाफ करते करते 16 में 16 एंड हाफ 24 मात्रा होगा, तो आपको दो बार लिखना पड़ेगा। अभी अगर हम ये कोशिश करें कि एक आवर्तन में एक बार कैसे हम लिखें, जैसे पहले भी मैं बताई हूं कि अगर आपको दो गुण एक आवर्तन में लिखना है, तीन गुण लिखना है तो
किस तरह से कैलकुलेट करके एक पर्टिकुलर मात्रा से आपको शुरू करना है ताकि वो सम पे मैच हो जाए। तो इसमें भी आपको क्या करना है, पहले आप पूरा एक बार लिख लीजिए धा डैश धीन डैश करके 16 मात्रा विद डैश, तो नेचुरली 32 मात्रा हो जाएगा। अभी आप शुरू से शुरू मत करिए मात्रा का साइन लगाना, पीछे से शुरू करिए, आप उल्टा मात्रा लगाते लगाते आइए, तीन 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 लेके। जैसे आप डेढ़ गुण लिखना पहले मैं बताई वैसे लिखना है, पर पीछे से मात्रा का साइन लगाइए। तो अल्टीमेटली जब आप ऐसे लगाते जाओगे तो शुरू में आके आप देखेंगे ये मैच नहीं हो रहा है क्योंकि 16 मात्रा है, तो एक पहले का जो धा है वो बच जाएगा। जैसे आपका धा अगर बच गया, एक मात्रा बचा, कोई और ताल होगा तो शायद दो मात्रा बचा, ऐसे जितना भी बचेगा उसके साथ आपको एक्स्ट्रा 1 2 या 1 ऐसे जोड़ करके उसको भी 3 करना है। जैसे 3 ताल का जो होगा, इसको मैं थोड़ा सा कैलकुलेट करके आपको बोलती हूँ, अगर आपने 16 डैश 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 करके किया तो आपको हो जाएगा 32। आप पीछे से जब आप 3 3 3 3 3 3 लेके आएंगे तब हो जाएगा 10 मात्रा पूरा आपको मिलेगा और 2 मात्रा बचेगा, पर हमें 3 चाहिए तो आगे हम खाली एक ऐड करेंगे 1। जैसे लिख के मैं दिखा देती हूँ, 1 ऐड करने के बाद आपके पास हो गया 11 मात्रा, तो बचा कितना, 16 मात्रा का ताल है 5 मात्रा। तो पहले उसके बाद आप जोड़िए शुरू से धा धिन धिन धा धा, ये 5 मात्रा जोड़िए, 5 मात्रा के बाद आप 1 बोलिए और फिर 1.5 टाइम्स 3 ताल बोलिए, एक बार बोलने से आपका सम पे मैच हो जाएगा। थोड़ा सा धीरे आराम से इसको समझना है, उससे भी जरूरी बात है कि आपको ये लिख के प्रैक्टिस करना है, इतना भी मुश्किल नहीं है। जैसे मैं बार बार बोलती हूँ, मैथमेटिक्स है, प्रैक्टिस करना है और समझना है। तो आप लोग कोशिश करिए, उम्मीद है कि आप लोग भी बहुत अच्छे से सीख जाएंगे और ये आर लय जो है आपके लिए भी बहुत आसान हो जाएगा। आज इतना ही, फिर अगले क्लास में एक और इस तरह के लय लेके बात करेंगे। आप सब बहुत खुश रहिए, बहुत अच्छा रहिए, बहुत जल्द फिर मिलूंगी। नमस्कार। We'll be uploading a new Kathak lesson on this channel every Monday. So subscribe, like, comment and share our videos and keep learning.